अगर मैं आपसे बोलूं कि हरियाणा में भी एक जगह है जिसे लोग हरियाणा का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, तो क्या आप विश्वास मानोगे मेरी बात का? मानना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको लेके आया हूं आज हरियाणा का स्विट्जरलैंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप सिंह। तो मैं लेके आया हूं आज आपको मोरनी हिल्स, जो कि हरियाणा में ही पड़ता है। ये पंचकुला सिटी से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है। मोरनी हिल्स आने का जो रास्ता है वो बिल्कुल सिंपल है, चंडीगढ़ वाला आप हाईवे पकड़िए, मूर्थल पे ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद पानीपत करनाल वाले हाईवे से होते हुए शाहबाद वाली रोड से सीधे पंचकुला जाइए और पंचकुला से कट लेकर मोरनी हिल्स की तरफ। रात को ये सोचकर सोया था कि मॉर्निंग में 6 बजे निकलकर 12 से 1 बजे तक रिसॉर्ट में चेक इन कर लूँगा, लेकिन सुबह नींद ही 6 बजे खुली। फिलहाल बज रहे हैं दिन के 3:30 और अभी हमारा होम स्टे 1 घंटा और दूर है, बट व्यू इतना ज़बरदस्त है ना कि सफ़र का पता ही नहीं चल रहा है। हवा इतनी तेज़ है, फिर भी हार ना मानते हुए मेरी बीवी ने शॉट ले ही लिया। फाइनली हम इस ब्यूटीफुल होम स्टे में पहुंच चुके हैं। होम स्टे का मैंने अलग से एक व्लॉग भी बनाया, आप लोग उसे ज़रूर देखना। अब मोरनी हिल्स में ना बहुत सारे मेजर अट्रैक्शन तो नहीं है, बट अगर आपको पीसफुल 2-3 दिन का एक पीसफुल स्टे चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। व्यू बहुत ऑसम है और यहाँ आने का बेस्ट टाइम रहता है सितंबर से मार्च के बीच में। तो मोरनी हिल्स में जो 2-3 मेन जगह हैं वो है टिक्कर ताल, ठीक है, एक एडवेंचर पार्क है, एक मोरनी फोर्ट है, करवा पीक है। पीक तो मैं नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी काफ़ी, बट बाकी 3 जगह मैं ज़रूर जाऊँगा, उसके वीडियोज़ आपको बनाऊँगा। ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा वीकेंड गेटअवे कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो हमने अपने अगले दिन की शुरुआत की टिक्कर ताल से। देवदार के जंगलों से घिरी ये एक बहुत ही शांत झील है। पानी में अगर आप देखोगे तो आपको स्काई का रिफ्लेक्शन भी दिखेगा और ये एक मेस्मराइजिंग कैनवास पोर्ट्रे करता है। टिक्कर ताल एक मैनमेड झील है जो कि बहुत सुंदर है। क्या मस्त व्यू है यार, मतलब। तो टिक्कर ताल में आके ना आप बोटिंग कर सकते हैं, मोटर बोट लेते हैं अगर आप तो 700 रुपये पड़ेगा, और अगर आप खुद से पैडल मारने वाला बोट लेते हैं 4-सीटर का तो करीब 400 रुपये पड़ता है, और 2-सीटर वाला पैडल वाला बोट करीब 200 रुपये का। अभी यहाँ बच्चों के लिए एक छोटी मोटी ट्रेन वेन भी आपको मिल जाएंगी जो कि 100 रुपये के करीब है, जिनका राइड का चार्जेस। और टिक्कर ताल जो है ना, इसके जस्ट बगल में एक और छोटा सा ताल और है, और ये दोनों ताल जो है ना, एक ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये माउंटेन्स। तो ये जो माउंटेन है ना, दो ताल को सेपरेट करता है, एक छोटा ताल और एक बड़ा ताल। तो ये जिस ताल पर अभी हम खड़े हैं ना, ये बड़ा वाला ताल है और इसके पीछे एक छोटा ताल भी है। अभी यहाँ के लोग जो है ना, इसे सेक्रेट मानते हैं। इसका रीज़न है कि ये दोनों ताल जो है ना, बिल्कुल सेपरेट हैं इस माउंटेन से, बट फिर भी इनका लेवल हमेशा सेम रहता है। अभी क्यों रहता है, क्या है, किसी को नहीं पता, बट एक मिस्ट्री है ये। इस ताल के पास एक छोटा सा रिसॉर्ट भी है, अगर आपको स्टे करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा मोरनी हिल्स के पास जो ऊपर होम स्टेज है ना, वो बहुत अच्छे हैं। तो नीचे थोड़ा पड़ जाता है, बट होम स्टेज का व्यू बहुत सुंदर है, अल्टीमेट है। और अगर दिल्ली में आप रहते हैं और वीकेंड्स पे एक छोटा सा ट्रिप मारना चाहते हैं तो मोरनी हिल से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन बात यह है कि आप यहाँ पर सितंबर से मार्च के बीच में ही आएगा। यहाँ पर ना जब बारिश होती है तो एकदम लश ग्रीन व्यू रहता है, और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है विज़िट करने का। अगर आप मार्च के बाद आएंगे तो धूप होगी, दिल्ली जैसा ही रहेगा, बट हमेशा यहाँ पर क्या है कि दिल्ली से हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम ही मिलेगा आपको। और इस ताल के पास ना एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट भी है, तो अभी हम यहाँ पर लंच करने आए हैं। टिक्कर ताल के बिल्कुल बगल में एक एडवेंचर पार्क, अब हम वहाँ पे आए हैं, आपको इसका भी टूर कराते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, एडल्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कर सकते हैं। एडवेंचर पार्क का एडल्ट्स के लिए एंट्री टिकट है 50 रुपये और किड्स के लिए एंट्री टिकट है केवल 30 रुपये। तो एडवेंचर पार्क जो इन्होंने बनाया बहुत सुंदर है यार, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। वो एक ऊपर प्यारा सा कैफेटेरिया भी बना हुआ है।
हिल्स में अगर आप आ रहे हो तो अपने UPI के भरोसे मत रहना, ये नेट तो चलता नहीं है, तो कैश जरूर लेके आना साथ में। वैसे यहाँ पे कई सारे शॉपकीपर्स आपको हॉटस्पॉट देके देंगे, बट स्टिल बहुत इशू रहता है, कई जगहों पे नहीं चलेगा तो फिर आप इधर उधर घूमोगे, तो कैश जरूर रख के लाना। भूत बंगला भी है, ओह ईवा देखो भूत बंगला। तो हमने अपनी बेटी ईवा को भेजा है हॉन्टेड हाउस में, देखते हैं इसकी क्या हालत होती है। ईवा भूत है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो मैं चल रहा हूँ, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ आ जाओ। आवाज़ भी आ रही है यहाँ तो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया ईवा, क्या हुआ, क्या हो गया, हॉन्टेड हाउस में कोई मिला क्या तुम्हें? ये बच्चा हमारा डर गया हॉन्टेड हाउस में, कुछ नहीं था जबकि हमने रोशनी जला दी, होने अगर वो मगरमच्छ देखते ना। और अब मुझे ऐसा बताया यहाँ के बाहर वाले भैया ने कि बहुत सारे ट्री हाउस वगैरह हैं, तो वो देखिए एक छोटा सा वॉच टावर टाइप का बनाया, हम ऊपर जाएंगे अभी। और ट्री हाउस इतना ब्यूटीफुल है यार, एडवेंचर कैंप आके ट्री हाउस पे जरूर आना, आपको पीछे पूरा ऐसा व्यू दिखेगा, बहुत सुंदर है अल्टीमेट एकदम। काले बादल हो रखे हैं एकदम, वाह। कल रात से बारिश हो रही है और आज हमें निकलना भी है वापस दिल्ली के लिए। ये मार्च के मौसम में इतना फॉग मैंने हरियाणा में कभी नहीं देखा, बाहर देखो आप पूरा फॉगी फॉग हो रखा है यार। अभी हमने प्लान किया है कि पहले हम मोरनी फोर्ट जाएंगे फिर दिल्ली की तरफ निकलेंगे। ये मोरनी फोर्ट के जाने का रास्ता है। ओह माय गॉड क्या व्यू है भाई, चलते रहो। तो हम लोग अभी आ चुके हैं मोरनी फोर्ट। मोरनी फोर्ट जो था वो ऐसा बोला जाता है कि एक क्वीन थी जिनका नाम था मोरनी, उन्होंने 17वीं शताब्दी में फोर्ट बनवाया था। और ये फोर्ट जो ना बड़ा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, एकदम टॉप पर है मोरनी हिल्स में, और यहाँ से ना 2 से 3 जो मेजर आप ऐसा बोल सकते हैं जो रोड्स हैं उनको आप वॉच कर सकते हो, इस तरह से ये फोर्ट बनाया गया था। थोड़ी सी चढ़ाई के आ गई, लोगों की हालत ख़राब हो गई, ये जिम जाते हैं डेली। भगवान शंकर जी का एक टेम्पल भी है छोटा सा यहाँ पर, फोर्ट के बिल्कुल एंट्रेंस गेट पर ही है। ओम नमः शिवाय। ये देखो ये फोर्ट को ना अभी एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, बट आपको अभी भी फोर्ट की जो 300 साल पहले बनी हुई जो दीवारें हैं वो दिख जाएंगी। एंट्री बिल्कुल फ्री है, और थोड़ा क्या है कि थोड़ा ऊपर बना हुआ है ना, और अभी हम दिल्ली वाले चलते फिरते तो है नहीं ज़्यादा, तो थोड़ा सांस फूल रही है, उसको आप इग्नोर करना। यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोग्राफी करना मना। नवंबर 2017 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था, मतलब म्यूजियम में कन्वर्ट करने के बाद टोटल 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर लगाया गया इस पे, बट काम बहुत ही अच्छा हुआ है यार। मोरनी फोर्ट के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक बात यह भी है कि ये केवल एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह भी है जहां पे कोई नेचर के बारे में सीख सकता है, ये एक लर्निंग म्यूजियम भी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे इस फोर्ट को देखने के बाद समझ में आया कि जानवरों को जू में बंद करके शोकेस करने से अच्छा है उनका 3D मॉडल दिखाओ बच्चों को। करेक्ट, पेटा वाले ज़रूर एग्री करेंगे, भाई आप किसी को क्यों बंद कर रहे हो, आप 3D मॉडल बना के भी तो दिखा सकते हो कि ये शेर है ये क्या है। बाकी अगर किसी को जानवर को देखना है तो जंगल सफारी जाए, जू का क्या इम्पोर्टेंस है मेरे को समझ में नहीं आता।
इस फोर्ट को पूरी तरह से रिनोवेट किया गया है, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे ना तो इसमें 4 वॉच टावर खड़े दिखेंगे और कहीं ना कहीं एक पूरी फोर्ट वाली फीलिंग आपको आ ही जाती है। जिन्होंने इस फोर्ट को बनाया था क्वीन मोर्नी, उनका एक स्टैचू भी है, आइए देखते हैं उसे भी। ये फोर्ट जो है करीब समुद्र तल से 1200 मीटर की हाइट पर है और जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है फोर्ट। तो शायद क्वीन मोर्नी ने इस फोर्ट को इसलिए बनाया होगा कि वो ऊपर से वॉच कर सकें जितनी भी नीचे रोड्स जा रही हैं, कि इनकेस कोई एनमी वगैरह अटैक करता है तो डिफेंड करना ईजी रहेगा। इस फोर्ट को एक इंटरेक्टिव गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसमें टाइगर डेन, फ्लोरा फौना गैदरिंग्स, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। और साथ में ये भी दिखाया गया कि वाइल्ड लाइफ के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो फेस करते हैं उसको किस तरह से पब्लिक को समझाया जाए बहुत ही सिंपल तरीके से। भाई मेरा नाम सलमान खान नहीं है, चल मारो। कुल मिलाकर ये मेरे लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था और मैं दूसरों को भी इस जगह पे जाने के लिए केवल इसीलिए एडवाइस देता हूँ क्योंकि यहाँ पर फोर्ट के अलावा और भी बहुत कुछ है और इस फोर्ट को मेनली फ्यूचर में एक यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको पता चल सके कि कार्बन फुटप्रिंट पर अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो उनको क्या क्या रिपरकशंस झेलने पड़ सकते हैं। ये जो पिक्चर दिख रही है मोर्नी फोर्ट की बहुत पुरानी पिक्चर है और ये जो नीचे ये वाली पिक्चर है ये 2017 में इनॉग्रेशन के बाद की पिक्चर है। खैर ये फोर्ट का जो टूर था मेरा एक तरह का एक एजुकेशनल टूर था और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एनिमल लवर हूँ, सोशल मीडिया पे डेली आई लव एनिमल के पोस्ट भी नहीं डालता हूँ, बट हाँ मैंने आज तक किसी जानवर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जगह का एक्सपीरियंस ले सकें, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर विज़िट करना यहाँ पे। इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता यार, बारिश के टाइम पे मोर्नी हिल्स ज़रूर आना, ज़्यादा दूर भी नहीं है, खर्चा भी नहीं लगेगा और व्यू ऐसा कि मतलब आप लोग क्या ही बोलूँ यार मैं। ये देखो नीचे इतना फॉग है ना, जब हम लोग आ रहे थे तो पूरी वैली दिखाई दे रही थी, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, गजब मौसम हो रहा है, गजब मौसम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। हास्ता ला विस्ता।